कोशिश करो, द क्लोज आर्गन पाइप, हम लोग के पास क्लोज आर्गन पाइप है, ऐसा पाइप जो एक साइड बंद होता है, एक्साइटेड टू सपोर्ट द थर्ड ओवर टोन, ध्यान देना थर्ड ओवर टोन है, इट इज फाउंड द नोड और एंटी नोड निकालना। अगर आप पढ़ के आए होगे और मैं कई बार करवाया भी हूँ कि जो क्लोज आर्गन पाइप होता है उसमें नोड और एंटी नोड बराबर होते हैं, ये जो होता है वो जीरो ओवर टोन है, यहाँ हमेशा क्लोज आर्गन पाइप है, यहाँ हमेशा एंटी नोड ही बनेगा क्योंकि ओपन है, एयर के मॉलिक्यूल हाईएस्ट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, इस पॉइंट पर हमेशा नोड ही बनेगा। तो ये जो होता है कुछ ऐसे, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक या जीरो ओवरटर्न होता है, क्लियर है। अब इसमें देखो एक नोड बना है एक एंटी नोड बना है, तो क्लोज्ड आर्गन पाइप में जितने नोड होते हैं उतने एंटी नोड होते हैं, तो थ्री नोड्स एंड फोर एंटी नोड ये कभी सही नहीं हो सकता बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज, फोर नोड्स एंड थ्री ये भी कभी सही नहीं हो सकता, मतलब फोर या तो ए ऑप्शन सही है या तो डी ऑप्शन सही है, क्लियर है। अब ये होता है जीरो ओवर टोन, अब एक नोड हमने और बनाया, यहां से एक नोड यहां था एक नोड यहां था, तो कुछ ऐसा हमें पाइप दिखेगा, तो ये क्या होता है फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन या ये फर्स्ट हार्मोनिक और ये थर्ड हार्मोनिक, इसमें जो इवन हार्मोनिक होती है वो मिसिंग होती है। चलो अब इसमें सेकेंड ओवर टोन, तो सेकेंड ओवर टोन में एक नोड दो नोड यहाँ बना लो बीच में, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये आ गया, इसमें एक नोड था इसमें दो नोड था इसमें तीन नोड था, ये फर्स्ट ओवर टोन है ये सेकेंड ओवर टोन है और ये जीरो ओवर टोन है। अब हमें चाहिए थर्ड ओवर टोन, थर्ड ओवर टोन में एक दो तीन एक नोड और बना लो, तो ये पाइप हमें कुछ ऐसी दिखेगी, एक दो तीन और एक नोड यहाँ कुछ ऐसा, अब काउंट कर लो इसमें फोर नोड आ गए, एक नोड दो नोड तीन नोड चार नोड, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड और एंटी नोड, तो हमें फोर नोड्स और फोर एंटी नोड, मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन सही है, प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोज्ड आर्गन पाइप पे क्वेश्चन था।